Hello to all of you. Today we are going to start our lecture class for 10th standard and chapter name is Life Processes. इसका overview मैं आपको previous lecture में बता चुकी हूँ. So let's begin the chapter with introduction. सबसे पहले तो question arises in our mind that what are life processes. और उससे भी पहले हमें ये पता करना ज़रूरी है कि what is life. तो life क्या होती है? आप किस चीज़ को देखकर ये बोल सकते हो कि ये जो चीज़ है ये living being है? अगर आप किसी bird को देखते हो तो bird को हम देखते हैं सुबह सुबह जो the singing song and देखते हो कि एक cat जो है वो mouse के पीछे भाग रही है to catch it and ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोग हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में देखते हैं जिससे कि हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है. अगर हम टेबल को देखेंगे और चेयर को देखेंगे तो इट्स नॉट लिविंग बिकॉज इट्स इमूवेबल, वो मूव नहीं कर रहा है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, जैसे कि अब आप ये बोलो कि फैन मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, दैट इज़ नॉट लिविंग बींग, दैट इज़ ऑल्सो नॉन लिविंग. वो मूव कर रहा है बिकॉज हम लोग उसे मूव करवा रहे हैं. बट जो सेल्फ मूवेबल होता है, जो अपने आप में मूव करता है, अपनी विल पावर से ग्रो करता है, डेवलपमेंट करता है, उसे हम बोलेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म. एनिमल्स को वी कैन ईजिली कंक्लूडेड दैट दिस इज अ लिविंग बींग, क्योंकि एनिमल्स जो हैं वो हमें मूव करते हुए इजीली दिखाई दे जाते हैं. बट प्लांट के सेंस में कुछ लोग बोलते हैं कि प्लांट्स भी क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं? तो आंसर इज यस, प्लांट्स आर आल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म. क्योंकि लिविंग होने के लिए कौन सी चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि मूवमेंट होना. मूवमेंट मतलब कोई भी फूड पार्टिकल है, ऑर्गेनिक पार्टिकल है, वो प्लांट में मूव हो रहा है, चाहे वो हम देख ना पाए. बट जाइलम फ्लोएम के थ्रू, जो हम आगे डिटेल स्टडी करेंगे, जाइलम फ्लोएम के थ्रू जो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो इजीली सॉइल से वाटर मिनरल्स लेके जाइलम और फ्लोएम के थ्रू लीफ तक पहुंचाती है. लीफ में पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, तो ईच एंड एवरी रिएक्शंस हो रही है उसमें. तो कोई रिएक्शंस हो रही है तो उसमें हम ग्रोथ भी देखेंगे प्लांट्स में, रिप्रोडक्शन भी देखेंगे. तो इन सब चीज़ों से हम ये कंक्लूड करते हैं कि प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म. बट टेबल है, फैन है, तो इन चीज़ों में ये सब चीज़ें तो नहीं हो सकती. वो रिप्रोड्यूस तो नहीं कर सकते, ग्रोथ नहीं कर सकते, तो दैट्स वाई दैट आर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स या नॉन लिविंग बीइंग हम पर्टिकुलर यूज में लेते हैं टर्म. तो इंट्रोडक्शन में यही हमको देखना है कि लाइफ प्रोसेसेस किन में होंगे, लिविंग बीइंग्स में होंगे, और इसी की हम स्टडी करते हैं. तो सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे. डेफिनेशंस में हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है रिप्रोडक्शन. तो इट इज मस्ट दैट लिविंग बीइंग शुड रिप्रोड्यूस. और जब भी कोई लिविंग बीइंग रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेगा, दे विल प्रोड्यूस सेम बीइंग एज दे आर. अगर कोई ह्यूमन है तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन करेगा तो वो उसके जैसा एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा. अगर कोई कैट है, अगर कैट रिप्रोडक्शन करेगी तो वो अपने ही जैसा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगी. अगर माउस है तो माउस उसके जैसा सेम ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा. प्लांट में आप भी हम देख सकते हैं, नीम प्लांट विल रिप्रोड्यूस सेम नीम प्लांट. ऐसा तो है नहीं कि नीम प्लांट जो है वो मैंगो प्लांट ग्रो कर देगा या प्रोड्यूस कर देगा. तो सबसे पहली शर्त ये है कि रिप्रोडक्शन में क्या होना चाहिए, लिविंग बींग शुड रिप्रोड्यूस सेम एज देम. ओके, जैसे वो हैं वैसे ही अपने बेबीज या ऑफस्प्रिंग वो प्रोड्यूस करेंगे. नेक्स्ट टर्म जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है एनर्जी.
तो एनर्जी के लिए व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी किसी भी काम को करने की एबिलिटी, योग्यता। मान लीजिए मैं अगर एक टेबल को एक रूम से उठा करके दूसरे रूम में लेके जाना चाहती हूँ, तो उसके लिए आई नीड एनर्जी। ओके, सो एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क। देन कम टू द नेक्स्ट डेफिनेशन विच इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज वॉट? मेटाबॉलिज्म इज सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मीन्स जो भी हमारी बॉडी में रिएक्शंस होती रहती हैं, लाइक रेस्पिरेशन प्लांट्स में होता है, फोटोसिंथेसिस, तो ये सब जो रिएक्शंस हैं ये क्या है? कंबाइंडली दे आर नॉन एज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में बहुत सारे स्टूडेंट्स दे गेट कन्फ्यूज्ड कि हम कैसे याद रखें कि, बिकॉज कैटाबॉलिज्म इज वॉट? ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन, एंड एनाबॉलिज्म इज ऑल्सो नोन एज कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन। तो इसे याद रखने के लिए क्या हम कर सकते हैं? केटा, कट, कट से हम याद रख सकते हैं केटा, यानी वो डिस्ट्रॉय करेगी। वो जो रिएक्शन है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से सिंपल स्ट्रक्चर बनाएगी, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज को हम या सब्सटेंस को हम तोड़ के, इस पेन को अगर मैं तोड़ दूं, इट इज व्हाट? कैटाबॉलिज्म। और अगर इस इन दोनों को मैं इस तरह से ऐड कर दूं, दैट इज व्हाट? एनाबॉलिज्म। तो ये सब हम रिएक्शन के सेंस में देखते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी चीज लेके जोड़ दोगे और बोलोगे दैट इज एनाबॉलिज्म, इट्स नॉट वर्क। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म हम रिएक्शंस के सेंस में यूज में लेंगे, एंड जो रिएक्शंस में कॉम्प्लेक्स से सिंपल मटेरियल हमें मिलता है दैट इज कैटाबॉलिज्म रिएक्शंस, और जिन रिएक्शंस में सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से हमें कॉम्प्लेक्स मटेरियल मिलता है उसे हम बोलेंगे एनाबॉलिज्म। यानी हम क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स तो तभी बनेगा ना जब किसी चीज को जोड़ेंगे। ओके, आई फील यू अंडरस्टैंड एंड ईजिली गेट दिस पॉइंट। नाउ एग्जाम्पल ऑफ कैटाबॉलिज्म आर वॉट? एग्जाम्पल ऑफ कैटाबॉलिज्म इज रेस्पिरेशन। तो जो रेस्पिरेशन है उसमें क्या क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस, TCA साइकिल, ये सब क्या है? कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में आता है फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, ये दोनों क्या होंगे? एनाबॉलिज्म। किसी चीज का सिंथेसिस कर रहे हैं, तोड़ नहीं रहे, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट विच इज ग्रोथ। ग्रोथ इज वॉट? एनी इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज, वॉल्यूम एंड वेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज ग्रोथ। तो जिस तरह से हम ग्रोथ का एक इक्वेशन बनाते हैं, ग्रोथ इज इक्वल टू एनाबॉलिज्म इज ग्रेटर देन कैटाबॉलिज्म। जब एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म से ग्रेटर होगा तब ग्रोथ होगी। यानी कि जैसे आप देख लीजिए कि कोई भी एक छोटा बेबी ले लीजिए, कोई भी एक बेबी है वो धीरे धीरे, आप भी कभी मतलब एक बेबी रहे होंगे, तो आपने क्या किया? ग्रोथ किया, डेवलपमेंट किया और आप एक मैच्योर पर्सन बन गए। तो हुआ क्या कि ग्रोथ हुई सेल में, टिश्यू में, ऑर्गन में, ऑर्गन सिस्टम में। तो एक सेल जब ग्रो करता है कैसे करेगा? ऐसा नहीं है कि सेल ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, इट विल कॉज कैंसर। ओके, तो जो सेल है वो ग्रो करने के लिए क्या करेगा? डिवाइड करेगा। एक सेल से वो दो सेल बनाएगा, दो से वो चार बनाएगा। इस तरह से जब सेल डिवीजन होगा तो हमारी ग्रोथ होगी, और जब ग्रोथ होगी तो क्या होगा? हमारा साइज इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो इस सेंस में हम लोग अब क्या हम फिर से छोटे बन सकते हैं? ऐसा तो है नहीं कि हम इस कंडीशन में आ गए हैं तो हम रिवर्स जा करके छोटे वापस से बन जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। यानी आप 10 इयर्स के हो गए हो तो ऐसा तो है नहीं कि आप वापस 1 ईयर के हो जाओ। तो ग्रोथ जो होती है वो इरिवर्सिबल होती है, यानी हम उसे रिवर्स नहीं कर सकते।
क्लियर. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज इरिटेबिलिटी. इरिटेबिलिटी को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है. इट इज ऑल्सो नोन एज सेंसिटिविटी. प्रोसेस ऑफ एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टूवर्ड्स चेंजेस अकर इन एनवायरमेंट. यानी कोई भी चेंज हुआ, मान लीजिए कि आपके थंब में कोई भी नीडल प्रिक की, तो आप क्या करोगे? फटाफट से हाथ हटा लोगे. तो कहीं भी आपको इंजरी होती है या कोई भी जो शार्प नीडल है आपको उसको मतलब प्रिक किया जाता है, तो आप क्या करते हो? रिस्पॉन्ड देते हो. तो यानी ये तो हुआ एक्शन और ये हुआ रिएक्शन. तो उसके लिए हम लोग इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इरिटेबिलिटी. यानी जो भी रिस्पॉन्स एनवायरमेंट में चेंज के प्रति हम लोग शो करते हैं, जैसे मान लीजिए विंटर सीजन आया, तो हमने क्या किया, क्या रिस्पॉन्स देंगे हम? स्वेटर निकालेंगे, स्वेटर पहनेंगे, ठीक है. तो जैसे ही समर सीजन आया, स्वेटर हम वापस बॉक्स में रख देंगे. तो जो एनवायरमेंट में चेंज आ रहा है उसके प्रति हम क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं, इट इज नोन एज इरिटेबिलिटी, ऑल्सो नोन एज सेंसिटिविटी. क्योंकि हमें सेंस हो रहा है, हम सेंस कर सकते हैं कि हमें यहाँ पे कांटा लगा है या पिन चुभ गया है, तो हम उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है. तो उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा न्यूट्रिशन. वॉट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ obtaining and utilization of food by a living organism. ये चीज़ हम 9th स्टैंडर्ड में भी देख चुके हैं, आप लोगों ने देखा होगा. वो प्रोसेस जिसमें आप फूड इंटेक करते हैं और उसके बाद जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं आप हमारी बॉडी में, वो उस फूड को डाइजेस्ट करेंगे और सिंपल वन में कन्वर्ट कर देंगे. तो ये क्या है? अब क्या होगा, हमारा जो बॉडी सेल्स हैं वो उसको यूटिलाइज करेंगे. जैसे वो यूटिलाइज करेंगे, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे? न्यूट्रिशन. क्योंकि उससे हमें न्यूट्रिशन मिलेगी, हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में वो हेल्प करेगा. देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज न्यूट्रिएंट्स. तो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या होता है, ये चीज़ हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. टिल देन आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया है तो वेरी नाइस, और अगर नहीं आया है देन यू हैव टू आस्क मी, ओके. सो अगर कोई भी टॉपिक यहाँ तक इन डेफिनेशंस में आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है, वैसे मैंने काफ़ी अपना 100% तरह से आप लोगों को समझाया है, बट इफ़ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड स्टिल देन यू कैन आस्क मी, ओके. सो यहाँ तक आप लोग देखिए, उसके बाद हम डिटेल में बाकी की जो डेफिनेशंस हैं उनके बारे में बात करेंगे इन अवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड एन्जॉय लर्निंग.